हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स का और इसमें हम सीखेंगे कि नॉक्सवेल डाइवर्जेंस का यूज करके कैसे हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट टॉप से 40-50% गिरा हुआ है। आप देख सकते हो कि इसका लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 950 के करीब है, लेकिन अभी ये 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ है और स्टॉक का पी 11.7 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है। इसका मतलब कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है। आप अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। इसका प्रॉफिट अगर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर में बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर में बढ़ा है। अगर आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो इसमें देखने मिलेगा कि आपको एवरी ईयर इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी एवरी ईयर बढ़ रहा है एंड नेट प्रॉफिट भी एवरी ईयर बढ़ रहा है। जब इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, एवरीथिंग बढ़ रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस घट रहा है। इसके लिए हम राजेश एक्सपोर्ट्स का चार्ट देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का स्ट्रेटेजी करके इसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए हम tradingview.com में हमने चार्ट ओपन कर लिया है। अब आपके सामने चार्ट इस तरह से है। आप देख सकते हो कि फरवरी 23 में ऑलमोस्ट ये हाई बनाया था 1025, लेकिन अभी ये 565 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी हाई से लेके अभी तक ये ऑलमोस्ट 50% डाउन चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कैसे नॉक्सवेल डाइवर्जेंस का यूज करके स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे रॉब बुकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस ये सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगा। अब यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यानी यहाँ पे बार बैक के जगह में 200 लिखना है, क्योंकि हम 200 का एवरेज देखेंगे और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें हम 14 डेज का रिलेटिव इंडेक्स स्ट्रेंथ देखेंगे। हम 14 डे का रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे, इसलिए हम 14 पुट करेंगे। अब यहाँ पे ओके आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रॉब बुक और नॉक्सवेल डाइवर्जेंस का चार्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस शेयर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस शेयर में आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जब भी रॉब बुकर नॉक्सवेल से आप परचेज की हो, ये हमेशा से ही इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप अगर रॉब बुकर नॉक्सवेल का यहाँ पे परचेज किया होता तो फिर भी आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस है, ये ऑलमोस्ट किस लेवल पे है, ये 557 के लेवल पे है। जब ये इंडिकेशन आया था रॉब बुकर नॉक्सवेल का कि आपको यहाँ पे बेचना है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 के आसपास प्राइस था, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया था। सेम उसी तरह से फॉर एग्जांपल इस साइड में देखो, इस साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो इंक्रीज ही होता जा रहा है, लेकिन आप अगर कोई दूसरा भी देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कई बार मौका मिला है। फॉर एग्जांपल यहाँ मौका मिला है तो आप कहाँ पे बेच सकते हो, यहाँ पे मौका मिला आपको तो आप कहाँ बेच सकते हो, यहाँ पे बेच सकते हो। ठीक, यहाँ पे मौका मिला तो आप कहाँ बेच सकते हो, यहाँ पे बेच सकते हो। मतलब रॉब बुकर नॉक्सवेल जो डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, ये हमेशा इस शेयर में काम किया है। आप कोई भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो। इसलिए यहाँ पे जो मौका मिल रहा है आपको रॉब बुकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस में, ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन का सबसे बॉटम पॉइंट है। तो इसका जो यहाँ पे पॉइंट आया है, ये ऑलमोस्ट 545 के आसपास का लेवल है, यानी 545 के लेवल पे आपको ख़रीदना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 565 है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा अपसाइड में नहीं है। रॉब बुकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस के हिसाब से यहाँ पे इस शेयर में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।